हेलो गाइस। हाँ तो अभी सुबह के तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अपनी नींद से खुल चुका हूँ। और आज मेरा एक दिन बर्थडे है। चलो मैं थोड़ा बाहर आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है और अभी आप इसमें देख सकते हो टाइम 7:32 AM हुआ है, मतलब सुबह के 7:30 बज चुके हैं। और अभी मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये मैंने स्टेटस लगाया था, टुडे इज माई बर्थडे, फ्रॉम टुडे आई एम 18 ईयर्स, ये एक स्टेटस लगाया मैंने। और एक दूसरा लगाया था ये वाला, दिस इज डे वेरी स्पेशल डे फॉर माई लाइफ, तो भी किसी ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया है और किसी ने भी अभी तक कोई विश नहीं किया है व्हाट्सएप पे। और मैं रात में खोलूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितने लोगों ने मुझे विश किया है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं फेसबुक खोल लेता हूँ, फेसबुक पे भी मैंने यही बिल्कुल सेम लगाया है, ये देख सकते हो आप। यूजली मॉर्निंग में मैं अपना फ़ोन चेक नहीं करता हूँ, तो मैं रात में फिर से खोलूँगा और देखते हैं कि कितने लोग मुझे विश करते हैं। और इन लोगों को नहीं पता है कि इन लोगों का भी वीडियो अपनी ब्लॉग में मैं डाल रहा हूँ, तो देखो 10 से 14 लोगों ने देखा है स्टेटस को और एक लोगों ने विश किया है। मैं मैसेंजर भी खोल के आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मैसेंजर, और फिर व्हाट्सएप खोलते हैं और स्टेटस, अभी एक लोगों ने विश कर दिया है मुझे, अभी तीन लोगों ने देखा है, शाम तक देखते हैं कितने लोग हो जाते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा। और अभी नहाने चलते हैं। हाँ तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, तो अभी मैं पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं और फिर उसके बाद, तो अभी मैं पानी रख देता हूँ जैसे कि ये है, पानी थोड़ा मैं उसके बाद मंदिर जाएंगे। हाँ तो अभी जनवरी का महीना है और जनवरी के महीने में ठंड बहुत होती है, तभी मेरा जन्मदिन पड़ता है। ओके तो यहाँ पे बाल्टी देखो भर चुकी है, तो बाल्टी में उठा के फिर पानी गर्म कर देता हूँ। चप्पल लाए भाई ने, सही रख दिया पानी। मंदिर 9 बजे तक जाएंगे। लाइट आ रही है। और मैं पानी गरम वाटर हीटर से करता हूँ। पानी गर्म होने लगा। इसका इस्तेमाल बहुत केयरफुल तरीके से कीजिए, ये काफी डेंजरस हो सकता है। ये देखो पानी गर्म होने लगा है। हाँ तो यहाँ पे जब तक पानी गर्म होता है मैं आपको छत पे थोड़ा दिखा देता हूँ। तो मैं जीना पे हूँ, जीना पे अंधेरा बहुत है, इसको मैंने गेट खोल दिया है। ये देखो ठंड है यहाँ पे, देखो बहुत कोहरा जमा हुआ है, देख लो मुंह से देखो ओस निकल रही है। यहाँ पे मेरा घर है और यहाँ पे थोड़ी बातें करते हैं, फिर हम नहा के सबसे पहले मंदिर जाएंगे, ठीक है?
तो हमने ये सोचा है कि आज मतलब पूरा बर्थडे हम अपने रुपए से मनाएंगे, मम्मी पापा का एक भी रुपया नहीं खर्च करेंगे। ये हमने सोचा था क्योंकि आज मैं मतलब 18 साल का हो रहा हूँ और इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो अभी मैं थोड़ा आपको व्यू दे देता हूँ यहाँ का, देख लो बहुत भैया ठंडा है। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे कोहरा ही कोहरा जमा हुआ है। तो वैसे मैं सबसे पहले सुबह उठ के एक्सरसाइज करता हूँ, तो एक्सरसाइज भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ। ओके ओके, तो आप देख सकते हो मैं भी रस्सी कूदता हूँ पहले सुबह उठ के, और वार्म अप एक्सरसाइज करता हूँ सबसे पहले सुबह उठ के शरीर को ताकत देने के लिए। देखो हट गया है तो फिर से कर। हाँ तो मैंने भी 100 लगा ली है। तो मैंने अरे भैया हमने 100 लगा ली है और अभी पुलअप्स करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो आप गिनते रहना, देखो पुलअप 10 ही करेंगे, पहले ही आर्म्स कमजोर हो गए थे रस्सी कूदते कूदते, वरना मैं पुलअप्स 20 से 30 तक की कर लेता हूँ। तो अभी मैं अपने आपको अपना बर्थडे प्लान बता देता हूँ मेरा क्या है। तो अभी मॉर्निंग हुई है, मॉर्निंग में उठे हैं 7 बजे, अभी 9 बजे तक मंदिर जाएंगे, उसके बाद हम घर के लिए ब्रेकफास्ट के लिए लाएंगे समोसा जलेबी, यहाँ बहुत फेमस है। तो और फिर शाम को तो बर्थडे पार्टी है ही। तो मैं ये ब्लॉग को, ये फर्स्ट पार्ट है जो कि मॉर्निंग का होगा, सेकंड पार्ट है जो रात का होगा, ठीक है, क्योंकि एक पार्ट में डालेंगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक। तो अभी आप देख सकते हो मेरी हालत, देख लो अभी इनारो पैजामा में है, इसको कपड़े चेंज करते हैं और मंदिर जाते हैं। हाँ तो चलने के लिए बिल्कुल तैयार, आप देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ मैं, देख लो। और मेरे कपड़े पहन लिए हैं और अभी चलने के लिए पूरा तैयार, पानी देखो पीछे भर चुका है, मोटर बंद कर दो पानी भर गया है। तो हमने पानी को बता दिया है, पानी बंद हो जाएगा अभी। तो अभी चलते हैं बाहर मंदिर और मैं आपको दिखा दूं, मेरी साइकिल भी बाहर ही खड़ी है। दिखी आप लोगों को? पता नहीं दिखी कि नहीं दिखी, हमने तो ऐसे कर दिया था। और अभी ठंड बहुत हो रही है, देखो कैसे भाप निकल रही है। तो अभी मैं
हाँ तो अभी मैं साइकिल से मंदिर जाऊंगा एंड देन आगे का प्लान करते हैं कि आगे क्या करना है। अब नहाने के बाद बिल्कुल फ्रेश महसूस हो रहा है और मैं आपको मंदिर में मिलूंगा। ठीक तो यहाँ पे सबसे पहले प्रसाद ले लेते हैं। भैया सबसे अच्छा प्रसाद कौन सा है? मीठे है ये? मिठाई मीठे होते हैं। अरे नहीं मतलब ज्यादा मीठे वाले हैं। कितने रुपए? 160 रुपए किलो। 160 रुपए किलो है। रुको एक दो जगह और पूछ लें। तो यार अभी आ रहे पूछ के आए तो अभी एक दो जगह और पूछ लेते आगे हैं फिर अगर देख लेते कितने रेट है वरना यहीं आके ले लेंगे। ये देखो सर दुकान। भैया सबसे ताज़ा प्रसाद कौन सा है? सबसे अच्छा प्रसाद कौन सा है? सब सब ताज़ा है। ये वाले पेड़ा कितने है? कितने का? 200 रुपए किलो है। तो जय बताओ ना। ये वाले सब एक रेट दे दो। अच्छा 50 रुपए। ओके तो प्रसाद ले लिया है हमने। कुछ 200 रुपए किलो था। हाँ तो दूसरा वाला प्रसाद हमने इसीलिए लिया क्योंकि ये जो वो बता रहा था वो हमें कुछ फ्रेश नहीं लग रहा था तभी फिर हमने दूसरा वाला प्रसाद लिया। वो बता तो रहा था फ्रेश पर मुझे लग नहीं रहा था फ्रेश। तो मैं आपको भी मंदिर दिखा देता हूँ पूरा। ये देख सकते हो ये मंदिर है। तो ये देख सकते हो ये मंदिर है। इस मंदिर का नाम है बाबा मंदिर और ये हरदोई का यहाँ मतलब यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है। तो अभी मैं अंदर जाके प्रसाद चढ़ा देता हूँ और फिर कुछ बातें करते हैं। मंदिर का व्यू थोड़ा दे देता हूँ मैं। और यहाँ पे देखो पेड़ बना है। बैठने के लिए ज्यादा अच्छी जगह है। ओके तो अभी मैं मंदिर के अंदर जाएंगे। ये पंडित जी खुराक तो अभी मंदिर के अंदर आ गए हैं। तो अभी मैं पहले प्रसाद थोड़ा चढ़ा देता हूँ। यहाँ बता देता हूँ पैर छोड़ लेते हैं और कुछ रुपए वो भी मैं थोड़े चढ़ा देता हूँ। तो ये रुपए है यहाँ पे ऐसे फेंका जाता है ऊपर को और माता जी के पास गिरता है। देखो कैसे।
चलो उधर ही गिर गया। और अभी मैं मंदिर से बाहर निकल आया हूँ, प्रसाद चढ़ा दिया था मैंने। वैसे ये मंदिर काफ़ी अच्छा है, आपको भी आना चाहिए। और यहाँ का जो मतलब प्रसाद मिलता है वो बहुत कम ही जगह मिलता है। आपको दिखा दूँ मैं प्रसाद यहाँ का कैसा है, आप जैसे कि देख सकते हो। यहाँ का जो प्रसाद है वो ज़्यादा जगह पे नहीं मिलता है, बहुत कम ही मिलता है, मेरा मतलब बहुत कम मिठाई की दुकान पर। तो आप भी यहाँ एक बार ज़रूर आइए, मंदिर काफ़ी बहुत अच्छा मंदिर है ये। और जब भी मेरा मतलब जन्मदिन होता है हर बार इसी मंदिर में आते हैं। और यहाँ ज़्यादा शोर शराबा होने के कारण हमने यहाँ पर देखो माइक इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें लगा कि बाहर ज़्यादा शोर शराबा होगा तभी अभी मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ ताकि आवाज़ मेरी आपको साफ सुनाई दे। तो इस मंदिर का मैं एक बार आपको 360 डिग्री व्यू दे देता हूँ, देख लो। देख लिया मंदिर। और ये मेरा पहला व्लॉग है माय फर्स्ट बर्थडे का। देखो ठंड अभी भी है, धूप अभी आई नहीं, और टाइम देखो कितना हो रहा है। मैं आपको बता दूं टाइम अभी हो रहा है 9:30 बज चुका है, देख लो काफ़ी शोर शराबा है। पर यहाँ एक बात है, यहाँ बैठने में मतलब खुशी बहुत मिल रही है क्योंकि मंदिर के सामने बैठे हैं, मन प्रसन्न हो गया है। ओके, तो प्रसाद मैंने चढ़ा दिया है तो अब हम सोच रहे हैं अब घर जाएँ। और हाँ, घर के लिए चाय नाश्ते के लिए कुछ समोसा और जलेबी ले लेते हैं और घर जाते हैं। मंदिर के दर्शन तो हो ही गए हैं, अब हम समोसा और जलेबी लेने चलते हैं। समोसा मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ जो सबसे फेमस है बबलू समोसा भंडार है, सबसे फेमस यहीं पर ही है, तो वहीं से ले लेंगे समोसा और जलेबी। हम सोच रहे हैं जो सबसे फेमस समोसा सब जहाँ जहाँ पे सबसे फेमस है वही जगह जाएंगे। तो जलेबी यहाँ सबसे अच्छी मिलती है सियाराम के यहाँ मिलती है, तो वहाँ पूछ लेंगे, अगर वहाँ अवेलेबल होंगी तो ले लेंगे, वरना फिर कहीं और से ले लेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, अपना झोला ले लेते हैं और चलो अभी मैं ले लेता हूँ। यहाँ कुत्ते बहुत हैं। तो अभी जलेबी ले ले रहे हैं, ठीक ऐसे जलेबी ले ले, दे दो भैया फिर आधा किलो लिए ले रहे हैं। अच्छी बताया तो अच्छी, मैं भी गर्म बता रहे निकली है। ओके, तो हाँ, तो मैं भी मंदिर से घर आ गया हूँ अब, और मैं समोसा और जलेबी ले आए थे घर के लिए, तो वो मैंने सबको अभी खिला मतलब घर में सबको दे दी है। मैं पिक्स देखो अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप देखो पिक्स। और अभी देख लो धूप निकल गई है, दोपहर हो गई है, अभी टाइम हुआ है, मैं आपको टाइम बता दूँ, अभी टाइम 1:30 हुआ है, मतलब 1:30 बज चुका है। तो अभी मैं लंच की तैयारी कर रहा हूँ, तो लंच मम्मी ने कहा था मतलब खाना कहा था कि वो खुद बना लेंगी खाना, तो मैंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं, मम्मी ने कहा कि पनीर ले आना और खाना हम बना लेंगे, बाहर से लाने को रहने दो, तो हमने कहा ठीक है खुद बना लेना। तो अभी पनीर लेने जाएंगे और हम सोच रहे कुछ और चीज़ें देख लेंगे, कबाब पराठा हमने सोचा था,
अगर वो देखो मिलता है तो ले आएंगे कबाब पराठा ले आएंगे। तो अभी मैं धूप में बैठा हूँ, धूप सेक रहा हूँ, विटामिन डी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, धूप अच्छी है, खिली है। थोड़ी देर धूप सेकने के बाद अभी बाहर जाएंगे और कुछ सामान लाएंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आप जो भी मैं खर्चा कर रहा हूँ ये सब मेरे रुपए से हैं, ये मेरे पापा ने या मम्मी ने रुपए नहीं दिए हैं, ये हम ही ने रुपए कमाए हैं, खुद से रुपए कमाए हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कैसे तो देखो ऊपर लिंक आ रहा है, ऊपर लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे मैंने ऑनलाइन रुपए कमाए हैं और उन्हीं को मैं अपनी बर्थडे पार्टी में खर्च कर रहा हूँ। मैंने कुछ 1000 रुपए कमाए थे तो उन्हीं रुपयों को मैं अपने बर्थडे पार्टी में उड़ा रहा हूँ। ओके, तो मैं फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड करता हूँ। मॉर्निंग वाला पार्ट था ये, मॉर्निंग हो चुकी है, अब नाइट वाला पार्ट अभी डालेंगे, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। अगर आपको ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, मुझे मालूम है इतना अच्छा नहीं बना होगा क्योंकि अभी मैंने शुरुआती की है और ये पहला ब्लॉग था मेरे बर्थडे का। एंड सेकेंड पार्ट भी मैं जल्द से जल्द डालने की पूरी कोशिश करूँगा, और मैंने कुछ इंस्टाग्राम की रील्स बनाई थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बाय, धन्यवाद।